नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा छोटे छोटे नए आलू का पकौड़ी कैसे बनाएं। सबसे पहले आलू को छोटे छोटे पीसों में काट लें, उसके बाद इस बेसन के घोल में मिला लें। बेसन में मसाला डालना ना भूलें, हल्दी, धनिया, लहसुन, जीरा, थोड़ा सा पाउडर डाल लें। देखिए इस छोटे छोटे आलू के नन्हे मुन्हे पकौड़े, तो आप भी अपने घरों में बनाएं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने आलू के पकौड़े, और साथ में बना लें किनारे किनारे बैंगन के पकौड़े। देखिए दोस्तों, आलू का पकौड़ा बिल्कुल बनकर तैयार है। इसको इस तरह से अच्छे से पकने दें जब तक ब्राउन ना हो जाए, उसके बाद आप खा सकते हैं धनिया चटनी या टमाटो के चटनी के साथ। तो बिल्कुल ये तैयार हो चुका है नन्हे मुन्हे आलू का पकौड़ा। आप भी अपने घरों में बनाएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ध्यान रखें दोस्तों, नमक स्वादानुसार ही उपयोग करें, ज़्यादा नमक हानिकारक होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।